वाइटिंग एंटरटेनमेंट की जानी अनजानी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज बातें गुजरे जमाने की एक ऐसी अदाकारा की जो सिनेमा के पर्दे पर मीना, गीता, गोपी, बेला, मालती, नसीमारा, सोना, रूपा, लाली इन अलग अलग किरदारों में नजर आईं। इन अलग अलग किरदारों में कभी वे नायिका बनी तो कभी सहनायिका, और जिनके अभिनय को दर्शकों ने जब सिनेमा के पर्दे पर देखा तो कहा, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा। गुजरे जमाने की ये अदाकारा है कमर सुल्ताना। जी हाँ, यही तो है उनका असली नाम, जिसे सिने जगत अमिता के नाम से जानता है। शकुंतला देवी और चौधरी रियाज अहमद की बेटी कमर सुल्ताना का जन्म कोलकाता में 11 अप्रैल 1940 को हुआ था। कमर अभी छोटी ही थी कि उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद वे अपनी माँ के साथ बम्बई आ गई। फिल्मों में उन्होंने प्रवेश किया 1953 में लेखराज भाकरी की फिल्म ठोकर से। फिल्म में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका की जय जयवंती के नाम से। इस फिल्म में उनके साथ थे शमी कपूर और श्यामा। बतौर नायिका अमिता की पहली फिल्म थी निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की श्री चैतन्य महाप्रभु। नायक थे भारत भूषण और फिल्म में संगीत था आरसी बोराल का। साल 1954 की इसी फिल्म से वे जय जयवंती से बन गई अमिता। और जानते हैं ये नाम उन्हें किसने दिया? जी हाँ, विजय भट्ट साहब ने। इसी बीच अमिता ने अमर किरण, बादल और बिजली, अमर कीर्तन, इंद्र सभा और बागी सरदार जैसी कई फिल्में की। दर्शकों ने उनके अभिनय को सराहा और पसंद भी किया, लेकिन फिल्मों की असफलता के कारण वे अपनी सही पहचान न बना सकी, जिसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। 1955 में मुनीम जी, 1956 में आबे हयात और हम सब चोर हैं जैसी चर्चित फिल्मों में उन्होंने देवानंद, प्रेमनाथ और शमी कपूर जैसे नायकों के साथ अभिनय किया। अमिता शुरू से ही अभिनेत्री मधुबाला की बेहद प्रशंसक थी। बचपन से ही उनके अभिनय को देखकर उन्हीं के जैसा अभिनय करने की वे कोशिश किया करती थीं। मधुबाला के साथ उनकी फिल्म आई साल 1956 में एसपी ईरानी की श्री फरहाद। फिल्म बहुत कामयाब रही और फिल्म में अमिता के अभिनय की चर्चा भी हुई। फायदा ये हुआ कि उन्हें फिल्मों में नायिका की भूमिका मिलने लगी और वे नायिका बनी 1956 में फिल्म अभिमान में शेखर और 1957 में फिल्म जमाना में कमलजीत जैसे नायकों की। अमिता ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें से कुछ फिल्में सफल होती तो कुछ असफल तो कुछ औसत रहती। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म मानी जाती है 1957 की नासिर हुसैन साहब की तुमसा नहीं देखा, जिसमें उनके साथ थे स्टाइलिश शमी कपूर। फिल्म की कहानी, गीत, संगीत सभी जबरदस्त हिट रहे। फ्रेश चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, चंचल शोक व शरारत भरी अमिता की अदाएं दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। 1957 में ही उनकी एक और हिट फिल्म थी अभिनेता अनूप कुमार के साथ अमिया चक्रवर्ती की देख कबीरा रोया। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत और मदन मोहन साहब का संगीत इस फिल्म में बेहद पॉपुलर हुआ। तुमसा नहीं देखा फिल्म के बाद अमिता की दूसरी सुपरहिट फिल्म मानी जाती है साल 1959 की गूंज उठी शहनाई। इस बार वे नायिका बनी राजेंद्र कुमार की। फिल्म के निर्देशक थे विजय भट्ट। भरत व्यास की रचनाएं और वसंत देसाई के मधुर संगीत ने दिल का खिलौना है टूट गया, अखियां भूल गई हैं सोना, तेरे सुर और मेरे गीत, जीवन में पिया तेरा साथ रहे जैसे गीतों ने धूम मचा दी। फिल्म में ग्रामीण परिवेश और अमिता की भूमिका एक ग्रामीण लड़की की, लेकिन अभिनय प्रतिभा से अमिता ने भी इस भूमिका में अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया। बेहतरीन अभिनय करने के बावजूद अमिता वो स्थान न बना सकी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनके समक्ष साधना, सायरा बानो, आशा पारेख, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, नंदा जैसी अभिनेत्रियां सिने जगत में अपनी अपनी जगह बना चुकी थी। फलस्वरूप उन्हें फिल्मों में सहनायिका की भूमिका मिलने लगी। खास बात ये थी कि उन्होंने कभी भी इन भूमिकाओं को अस्वीकार नहीं किया। पूरी ईमानदारी व निष्ठा से उन भूमिकाओं में भी ऐसा अभिनय करती कि फिल्मों में जान आ जाती। इतना ही नहीं, वे फिल्में हिट भी होती और अमिता के अभिनय की चर्चा भी होती। 1961 में अमिता की कुछ फिल्में आईं प्यासे पंछी, पिया मिलन की आस और तीन उस्ताद। इसी साल अभिनेता महमूद की फिल्म छोटे नवाब में वे नायिका के रूप में पर्दे पर नजर आईं। फिल्म बहुत सफल तो नहीं रही, लेकिन फिल्म का संगीत लोकप्रिय रहा, जो आर डी बर्मन साहब की भी बतौर संगीतकार पहली फिल्म मानी जाती है। फिल्म में अमिता पर फिल्माया गया लता मंगेशकर की आवाज में घर आजा घेराए गीत संगीत प्रेमियों ने खूब पसंद किया। बतौर सहनायिका अमिता की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है साल 1963 की मेरे महबूब, जिसमें उनका किरदार था नसीमारा। फिल्म में उनके साथ थे राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार और साधना। साधना की मुख्य भूमिका के बावजूद अमिता के अभिनय और साधना व उन पर फिल्माए गए गीत मेरे महबूब में क्या नहीं दर्शकों ने बेहद पसंद किया।
सशक्त अभिनय और नृत्य कौशल से नसीमारा के किरदार को उन्होंने यादगार बना दिया और फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए वे नॉमिनेट भी हुई। अमिता की कुछ अन्य चर्चित फिल्में थी सैमसन, सावन, राजनंदिनी, लकी नंबर, राखी, माँ बेटा, एक लड़की सात लड़के, हम सब उस्ताद हैं, अराउंड द वर्ल्ड और हसीना मान जाएगी। साल 1965 में रिश्ते नाते और साल 1966 में आसरा जैसी फिल्मों में दर्शकों ने उन्हें नकारात्मक भूमिकाओं में भी देखा। सिने और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा साल 1905 में इस अदाकारा को उनकी अभिनय प्रतिभा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। 50 व 60 के सिने जगत की ये अदाकारा अपनी विविध भूमिकाओं और उन पर फिल्माए गए गीतों के लिए दर्शकों के दिलों में हमेशा राज करेंगी। जानी अनजान की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए, लाइक करके, शेयर करके और अपने कमेंट्स लिखकर। फ्री सब्सक्राइब करके आज ही वाइटिंग एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ जाइए। शुक्रिया।